नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित दीक्षित और सिलेक्शन मेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर आपके पास पहुंच चुका है, जिसमें आपने स्क्वायर निकालना सीखा था। और स्क्वायर के बाद आपने सीखा इवन एंड ऑड नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक नई चीज़ और लाए हैं आपके लिए, जो बेसिक से रिलेटेड है और वो आपको करना भी है। उसका कारण है, हमने आपसे वादा किया था कि पहले आपका बेसिक कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन घंटे आपके साथ लगे रहेंगे और आपके साथ मेहनत करेंगे, बशर्ते आप तैयार। ठीक, तो सबसे पहले आपका हमें करना है बेसिक मजबूत। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे। देखिए फ्रेंड्स, समझिए ज़रा एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है देखिए ज़रा, क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में तीन अंकों की संख्याओं की कुल संख्या बताइए, संख्या बताइए। सबसे पहले तो एक नजर में कई बच्चों को ये प्रश्न समझ नहीं आया। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहा है कि नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, काम का मतलब समझो कि जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक, क्यूब्स लिखते हैं, ठीक, पावर्स लिखते हैं बच्चों, ठीक, स्क्वायर, क्यूब्स, पावर, ये बेटा लिखते हैं, टेबल वगैरह, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम गणित की कोई भी किताब खरीदते हैं तो उसका सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो होता है नंबर सिस्टम। क्यों होता है बच्चों? वो इसलिए होता है क्योंकि नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसका मतलब ये कि गणित में हमें किस प्रकार से सभी नंबरों को सिस्टम करना है वो इसमें हमें सिखाया जाता है, इसलिए इसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर तीन अंकों की कितनी संख्या बता दें। आप कहोगे सर तीन अंक वाली जो संख्याएं होती हैं, आप क्या कहोगे सर जो तीन अंक वाली संख्याएं होती हैं सर वो 100 से शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं। हम कहेंगे बिल्कुल। कहोगे सर पॉसिबल नहीं इनको जोड़ना इतनी जल्दी, तो हम कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है बच्चा, एक चीज समझो, इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं बड़ा समझो जरा। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है दो अंकों की संख्याओं की संख्या, तीन अंकों की संख्याओं की संख्या, चार अंकों की संख्याओं की संख्या, पांच अंकों की संख्याओं की संख्या, छह अंकों की संख्याओं की संख्या, सात अंकों की संख्याओं की संख्या, आठ अंकों की संख्याओं की संख्या, नौ अंकों की संख्याओं की संख्या, दस अंक। ठीक, अब आप समझो यहां पर क्या करें मेरी बात। बच्चों, जितने अंकों की संख्या पूछेगा उनकी संख्या भी उतने ही अंकों में आएगी। जितने अंकों की संख्या पूछेगा उनकी संख्या भी उतने ही अंकों में आएगी। ठीक, कैसे? अगर कह रहा है तीन अंकों वाली कुल संख्याएं बताइए, तो बेटा उनकी संख्या भी तीन अंकों में होगी। अगर कहे चार अंकों वाली संख्याएं बताइए, तो उनकी संख्या भी चार अंकों में होगी। तो इतना ध्यान रखिए, नौ अंकों वाली संख्याओं की संख्या कुल नौ अंकों में। ठीक है, कैसे करना है, कैसे होगा, सब पता चल जाएगा। देखो जरा, दो अंक वाली संख्याएं, देखो करना क्या है आपको, सिर्फ इतना करना है, शुरुआत सबकी नौ से होती है, कोई ट्रिक नहीं है, होता ही है, शुरुआत सबकी नौ से। ठीक, शुरुआत सबकी नाइन से। ठीक, अब कैसे, अब देखो जरा बच्चा, हमने अभी क्या बताया कि जितनी अंकों की संख्या है उनकी संख्या भी उतने ही अंकों में होती है, यानी दो अंकों वाली संख्याओं की संख्या दो अंक में ही होगी। तो आपको सिर्फ काम है, पता है किसका आपको काम है? देखो हम बताते हैं आपको किसका काम है। आपको काम है सिर्फ नौ
और जीरो का, इसका जीरो का, बस। कैसे? देखो जरा, दो अंकों की संख्या है, दो अंकों में होंगी, तो नौ और दो अंक पूरा करने के लिए एक जीरो बढ़ा दी, बस काम खत्म। 90 संख्याएं होती हैं, तीन अंक वाली कितनी होती हैं? एक बार नौ लिखा और तीन अंक में ही आएगी, तो तीन अंक बनाने के लिए दो जीरो, लियो 900 आ गया। चार अंक वाली किसमें आएगी? चार अंकों में, तो भैया कितने जीरो? तीन जीरो, लियो 9000 होती है चार अंक वाली। पांच अंक वाली कैसे, कितने जीरो बढ़ेंगे? चार जीरो, क्योंकि पांच अंक टोटल करने। छह अंक वाली किसमें? एक दो तीन चार पांच, ये लो भैया छह अंक वाली। सात अंक वाली कितने अंकों में? सात अंकों में, तो एक तो नौ तो छह, जीरो तीन चार पांच छह, ये लो भैया। ठीक है, अच्छा आठ अंक वाली कितने में? आठ अंकों में, तो एक बार नौ सात, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात, ये आ गया। नौ अंक वाली कितने? नौ अंकों में, तो एक बार नौ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये लो भैया आठ जीरो। ठीक, ये हो गया, ये सब सब समझ में। प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। कौन सा प्रूफ करते हैं? दो अंक वाली। कैसे? जरा देखो, जरा देखो, एक दो तीन, ठीक है, चार पांच छ सात आठ नौ 10, ठीक है, अच्छा 11 21 41, ठीक 51 31 भूल गए लेकिन लिख देते हैं, ठीक कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो जाएगा। हाँ 61 71 81 और 91, ठीक है। अब देखो जरा, 92 93 यानी 94 95 देन 96 देन 97 देन 98 देन 99 एंड 100। बच्चों ये टोटल 100 संख्याएं लिखी हैं, 100 तक गिनती लिखी है, इसमें से ये जो है ये एक अंक वाली है। बच्चा ये 9 निकल गई और एक ये भी तो निकल गई, अब आप जोड़ लो 10 निकल गई, 90 बची हैं दो अंक वाली, बस प्रूफ हो गया कि ठीक। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं फिर करते हैं, ठीक है। ए ए ए ए लिखा है, एक 200 पन्नों वाली पुस्तक के पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी? अब आप कहोगे सर ये क्या है, तीन अंकों की आवश्यकता होगी? हम कहेंगे नहीं बेटा, तीन नहीं होगी। कैसे? देखो समझो, कह रहा है पुस्तक है जिसमें पन्नों की संख्या लिखी है, लेकिन 200 पन्नों वाली पुस्तक है, तो कह रहा है कितने अंक लगेंगे? तो देखो जरा, हम बताते हैं कितने अंक लगेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं कितना, 20 पेज का, क्या लेते हैं, 20 पेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 20 पेजेस का। कैसे? देखते हैं 20 पेज का एग्जाम्पल। तो बेटा 20 पेज का हमने एग्जाम्पल लिया क्या, पहले पेज पे एक लिखा होगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10, फिर क्या होगा, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। अब देखो कैसे कैसे क्या पूछ रहा है, ये देखो देखो, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, छह अंक, सात अंक, आठ अंक, नौ, 10, 11 अंक, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये दे 20 पेज की किताब और 31 अंक, बच्चा ये पूछ रहा है, समझ गए? अब देखो जरा क्या करना है, ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। देखो बच्चा, एक अंक वाली तो संख्याएं होंगी, कितनी होंगी? 9 डेफिनेटली होनी, और हर संख्या में एक अंक, तो 9 संख्याओं में 9 अंक तो पक्के, ठीक। अब डबल डिजिट वाली कितनी होगी? अभी आपने पढ़ा था पीछे, डबल डिजिट वाली 90 होती हैं, और हर संख्या में दो अंक, तो 90 संख्याओं में 180 अंक हो गए, ठीक है, अच्छा। अब देखते हैं तीन अंक वाली, बच्चों सोचो जरा, 99 के बाद 100 आता है, तीन अंक है यानी एक संख्या ये, ठीक, अच्छा 101 से लेकर और कहाँ तक जाना है, 200 तक, 200 तक, बच्चा पता है कितनी संख्याएं होंगी? 100, 100, 100, यानी टोटल एक तो ये और 100 ये, तीन अंक वाली कितनी हो गई, अब थ्री डिजिट्स वाली हमारे पास हो गई है 101 संख्या, और हर संख्या में तीन अंक, इसलिए टोटल 303, ठीक।
आप जोड़ देते हैं, 9 और 3 12, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 492 अंकों की जरूरत होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम दे रहे हैं, आप देखिए करिए, ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दोबारा करा देंगे। ठीक है, हाँ तो अगली क्लास में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। 150 पन्नों वाली पुस्तक की संख्या लिखने के लिए पन्नों की कितने अंकों की आवश्यकता हो। सेम क्वेश्चन, सिंगल डिजिट कितनी, सिंगल डिजिट वाली कितनी होंगी, 9, हर संख्या में एक अंक यानी 9। ठीक है, अब हम लिखते हैं डबल डिजिट्स वाली, तो डबल डिजिट्स वाली जो होंगी बच्चा वो होंगी 90, और हर संख्या में 2 अंक तो कितने हो गए, 180। ठीक है, अच्छा अब 3 अंकों वाली फिर देखो भाई बच्चा क्या करेंगे, 100 को तो पहले हटा दो, ये एक संख्या अलग है। अब 101 से कहाँ तक जाना है, 150 तक, कितनी संख्याएं हो गई, 50, बच्चा देखो कितनी हो गई, 51। तो 3 अंकों वाली संख्याएं हो गई हमारे पास 51, हर संख्या में 3 अंक यानी 3 1 3 5 15, 103। जोड़ते हैं, 9 3 12, 1 कैरी किया, 8 और 1 9 5 14, 1 कैरी किया यानी 342। ठीक है, अगला देखते हैं भाई जरा, अगला लिखा है एक 300 पन्नों वाली पुस्तक के पन्नों की संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता। सेम क्वेश्चन, एक सिंगल डिजिट वाली, सिंगल डिजिट्स वाली 9 संख्या है और हर संख्या में 1 अंक, तो 9। ठीक है, अब डबल डिजिट्स का देख लेते हैं, तो डबल डिजिट वाली कितनी, 90 आपको पता है, हर संख्या में 2 अंक यानी 2 डिजिट्स होंगी, तो बच्चा कितनी होगी, 180। ठीक, अब ट्रिपल डिजिट्स वाली देखते हैं बच्चा कहाँ से, फिर वही बात आ गई, आप 100 को तो हटा ही दो, क्या हटा दो, 100 आप हटा दो क्योंकि ये अलग एक संख्या हमारे लिए। ठीक है, 300 तक जाना है तो पहले 101 से 200 तक कितनी संख्याएं हो गई, 100। ठीक है, अब 201 से कहाँ तक, 300 तक, कितनी हो गई, 100। बेटा 100 100 200 201, 201 हर संख्या में 3 है, तो 3 1 3 2 6, 603 अंक हो गए टोटल। 3 अंकों में 2 अंक वाली 180 और 180 अंक और 1 अंक वाली 9। जोड़ते हैं, 9 3 12 की 2 8 लगा, 1 8 1 9 6 और 1 7, आंसर आ गया 792। ठीक है, अब उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो आप प्रैक्टिस करना, कोशिश करना, नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगली क्लास में फिर कराएंगे और रिपीट कराते रहेंगे, टेंशन नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम एक नई चीज बताते हैं, भाग के प्रश्न, कौन से प्रश्न, भाग के। बच्चा देखो जरा, समय बिना बर्बाद किए जब हम भाग देते हैं तो ये जो होता है ना बच्चा, ये होता है भाजक, क्या होता है, भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, क्या बोलते हैं, डिवीजर। बेटा ये क्या होता है, ये होता है भाज, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है बच्चा, अच्छा ये तो डिविडेंड हो गया, ये क्या होता है, भाग का फल, फल मतलब क्या, भाग फल मतलब उत्तर, मतलब क्या, रिजल्ट, मतलब क्या, नतीजा, क्या परिणाम निकला, है ना, ये क्या होगा, परिणाम, सब बातें ध्यान में रखना। हाँ अच्छा, नीचे क्या होता है, शेष, शेष, ये क्या होता है, रिमाइंडर, क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेष फल। ठीक बच्चा, एक चीज ध्यान रखो, एक चीज देखो, इन चार में से अगर कोई 3 चीजें हमें दी है तो हम चौथी अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक, अपने आप, नो डाउट, कैसे, देखो जरा, देखो एक संख्या को जब 5 से भाग देते हैं तो शेष 1 आता है, तो संख्या बताइए। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो क्या आपके दिमाग में रीजनिंग चल रही है, क्या रीजनिंग, सर कोई कह रहा होगा सर 6 उत्तर, कोई कहेगा सर उत्तर 11, कोई कहेगा नहीं सर उत्तर तो 16 है, कोई कहेगा नहीं सर उत्तर 26 है, कोई कहेगा सर 31 है, कोई कहेगा 36, सर कोई 51, ऐसे
लेकिन बेटा जो मैथ्स वाले होंगे ना, मैथ्स जो लगा रहे हो, ये सब नहीं लगाएंगे, वो रूल लगाएंगे। और रूल क्या कहता है कि जब भाग में तीन चीज दी हो तभी चौथी निकलेगी, तो पांच से भाग देने पर शेषफल एक आता है, तो यह संख्या बतानी है। अब आप कहोगे कि सर अभी आप बोल रहे हो तीन चीज देनी चाहिए, लेकिन दिया कितनी है? हम कहेंगे बेटा दो। कहोगे तीसरी कहाँ? तो हम बताए क्या कहेंगे, बेटा जब भागफल यानी कोशियंट नहीं दिया हो, नहीं दिया हो, तब भाग हमेशा एक बार जाता है। सबसे लीस्ट नंबर लेते हैं तो एक ही हुआ, ठीक है, लीस्ट एक बार। बेटा 5 × 5 यानी क्या आ गया 6, यानी मैथ्स वाला कहेगा सिर्फ 6 ही हमारा उत्तर है। समझ गए? तो बच्चा जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि रीजनिंग में भी नंबर सीरीज होती है और मैथ्स में भी, वैसे ही सर, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ो, तीन चीज दी हो तो चौथी निकलेगी। दूसरी बात ये, भागफल ना दिया हो तो हमेशा एक बात। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सेम कि जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। तब आप पता है क्या करोगे? कहोगे सर सेम क्वेश्चन है, कर दो। 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो वह संख्या, वह संख्या कैसे? भागफल हमेशा कितनी बार जाएगा? एक बार, क्योंकि दिया नहीं है। 6 × 6 यानी वो संख्या 9। कितना आ गया? 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, हो गया है, भाग कभी ना दिया हो तो एक बार जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ पढ़ के करना। लिखा है जब किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाए, भैया देव 52 से भाग, देखो ये करते हैं ना, 52 से भाग दिया जाए 52 से, तो शेष 45 आता है। अच्छा 45 आ रहा, पहले हम देख लें कि संख्या क्या है ना। देखते हैं, पहले इतना सॉल्व करते हैं, कितना यहां से, ए यहां से, और हम सॉल्व करेंगे सिर्फ यहां तक संख्या देखते हैं। पहले तो हम ये देख लें कि भाग कितनी बार जाता है, तो बेटा भाग जाएगा एक बार, हमेशा कितनी बार? एक बार गया। 52 × 52 बेटा वो संख्या क्या रही? 90। अब कह रहा है उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, 13 से, यानी इसी 97 को 13 से भाग दे दो, शेषफल क्या होगा? 13 × 7 शेषफल होगा 6, और यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि सर इसकी एक ट्रिक भी तो है, ट्रिक बताइए। बच्चा एक चीज ध्यान रखना, बेसिक बहुत जरूरी है, ट्रिक भी लगती है, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं आती, हर जगह काम बेस ही आता है, ठीक है। ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है, हर जगह काम बेस आता है। ट्रिक क्या है देखो, कब लगेगी ट्रिक? तब लगेगी जब प्रथम भाजक से, प्रथम भाजक अंतिम भाजक से, अंतिम भाजक यानी डिवीजर से पूर्णतया यानी कंप्लीटली डिविजिबल। समझे मतलब क्या? अंतिम भाजक क्या? 13 से 52 कटे तभी ट्रिक लगेगी। तो ट्रिक क्या होगी देखो जरा, ठीक है, पूर्णतया, ठीक है। तो ट्रिक क्या होगी? ट्रिक होगी कि जो हमारा अंतिम भाजक है यानी क्या 13, उससे शेष को भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। शेष कितना है? 45। देखो 13 × 3 = 39, कितना बचा? 6। लियो आंसर, ठीक है। तो ट्रिक तभी लगेगी जब लास्ट वाले डिवीजर से फर्स्ट डिवीजर कंप्लीटली डिविजिबल। तो अगला क्वेश्चन देते हैं, हम ही पढ़ते हैं और करते हैं, आप देखिए समझने का। लिखा है जब एक संख्या को 899 से भाग दिया जाए, भैया पहले तो बेसिक करेंगे, ठीक है। 899 से भाग दिया गया तो शेष आया 63, कितना आ गया? 63, यानी भाग तो एक बार गया होगा, ठीक है। अच्छा तो एक बार हमेशा ही जाता है, हमेशा ही जाता, ठीक है। अच्छा तो शेष आया है 63, तो 899, 899 यानी 962,
कह रहा है इसी संख्या को, किसको, 962 को किससे भाग दिया जाए, 29 से। देख रहे 29 3 87, यहाँ बचेगा 9, 29 3 87 कितना हो गया 5, ये आ गया हमारा ट्रिक, ये आ गया बेसिक। अब ट्रिक पे आते हैं बेटा, ट्रिक तभी लगेगी, ट्रिक तभी लगेगी जब 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 लास्ट डिवीजर, देखो हमने उसमें हिंदी में लिखा है, इसमें इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, लास्ट डिवीजर से फर्स्ट डिवीजर कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक लग जाए तो लग गया, इसमें दिख गया। लेकिन आप सोचो, आप पहले चेक करोगे कट रहा है कि नहीं, फिर भाग दोगे इससे जल्दी, तो यही कर लो, लेकिन हमको दिख रहा कट रहा है, ठीक है। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, 29 से सीधे शेषफल 63 को भाग दो, ठीक, 58, शेषफल क्या आया 5, यही हमारा उत्तर, ठीक आ गया। आहा बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, पढ़िए इसको। लिखा है एक संख्या को जब लगातार सफलतापूर्वक 4, 5 और 6 से विभाजित करते हैं तो शेष फल क्रमशः 2, 3 और 4 आते हैं, तो वह संख्या बताएं, ठीक। बच्चों अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि एक कोई संख्या है, पहले उसको हम 4 से भाग देंगे तो भैया शेष फल बन जाएगा 2, फिर आपके दिमाग में आएगा कि उसी संख्या को 5 से भाग दे दें तो शेष फल आ जाएगा 3, और उसी संख्या को अगर हम 6 से भाग दे दें तो शेष फल आ जाएगा 4, है ना। लेकिन स्टूडेंट ऐसा कतई नहीं, ठीक है, क्यों नहीं, देखो जरा। सबसे पहले आपने जो लिखा है ना, लगातार सफलता पूर्वक, यानी सक्सेसिवली, बेटा इस शब्द का पूर्ण मतलब क्या होता है, पहली चीज, इस पूर्ण शब्द का मतलब होता है कि अगर अगर कोई काम हम कर रहे हैं और वो कई स्टेप में हो रहा है, कई स्टेप मतलब कई चरणों में, तो ध्यान रखना हम सेकेंड स्टेप में तभी जाते हैं जब हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है और सेकेंड में पहले वाली स्टेप का रिजल्ट लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या लेकर, रिजल्ट लेकर, समझो रिजल्ट, तभी वो सफलतापूर्वक कहलाएगा। यानी बार बार वही काम नहीं करते हैं, रिजल्ट लेकर दूसरी में, फिर दूसरी का रिजल्ट आया वो तीसरी में, तीसरी का रिजल्ट आया चौथे में, ठीक। जैसे रोटी बना रहे, भाई रोटी बनाए तो आटा लेके तो नहीं तवे पे ऐसे झोंक दिया और फिर ऐसे ही डाल दिया ना, ऐसा तो नहीं चाय बिल्कुल जो है चीनी ऐसे ही बस डाल दिए, धूप में रख दी बन जाएगी ना, या ऐसे फांक लिया हमने चीनी चाय की पत्ती और गर्म दूध पी लिया अंदर ही बन जाएगी, पता ही नहीं ऐसा नहीं। या हाँ, एक एक स्टेप होता है। रोटी कैसे बनती, रोटी बनती कि पहले आटा मारते हैं, ठीक, उत्तर क्या मिला, आटा मड़ा हुआ, ठीक, सना हुआ, उसके बाद लोई उत्तर मिली, उस उत्तर को लेके जाते हैं इस पे बेलन, यानी बेलन बेलते हैं, तो रोटी का शेप तैयार होता है, रिजल्ट, फिर उसको तवे पे डालते हैं। तो देखो रिजल्ट 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 है ना, कभी भी हम जो छूट गया उसको नहीं काउंट कर रहे हैं ना, उसको ले रहे हैं रिजल्ट। बच्चा इसका मतलब भी ले, अब मैथ में मतलब समझो, मैथ में क्या कि जैसे बेटा लिखा है 15 / 3 + 1, ये प्रश्न दो स्टेप में हो रहा है, पहला स्टेप 15 / 3, तो बेटा ये क्या होगा 5, पहले स्टेप का रिजल्ट, पहली स्टेप का रिजल्ट। दूसरी स्टेप में आए तो बेटा इस 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो उत्तर आ गया 6, ठीक समझे। फिर समझो जैसे 5 × 3 - 2, दो स्टेप में हो रहा है, पहली स्टेप क्या 5 × 3 कितना होगा 15, ये क्या है पहले स्टेप का रिजल्ट है, रिजल्ट इसको लेकर आए हैं और माइनस किया 2 तो बच्चा हमें मिला 13, समझे। बस इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है ये, यानी क्या है कि एक संख्या थी उसको 4 से भाग दिया गया तो शेषफल 2 आया और इसका उत्तर तो यहाँ आएगा यानी रिजल्ट, इसको लेकर बेटा यहाँ आए दिया है भाग किससे 5 से, और फिर इसका जो उत्तर आया है इसको लेकर आए हैं और भाग दिया है 6 से, समझे। यानी संख्या 1
नहीं है कि तीनों में लगा दिया ना, एक संख्या सिर्फ ये वाली निकालनी है, समझे बेटा? कभी भी ऐसा प्रश्न आए सफलता पूर्वक तो यही होगा, ठीक है? तो बेसिक ये है कि इसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जिसको जहां से लाए वापस पहुंचाते जा रहे हैं। कैसे? भाग आपको पता है हमेशा कितनी बार जाता है? हमेशा एक बार, हमेशा एक बार। तो देखो जरा, 6 वन जा 6, यहाँ क्या रहा? 10। आहा, 10 कहाँ से लाए? यहाँ से वापस पहुंचा दिया, ठीक है? 10 पचे 50 यानी 55 53। कहाँ से लाए थे? ऊपर। आहा, पहुंच गया भाई, ज्यादा ऊपर ना पहुंचाना। 214, 212, यानी अब ये संख्या क्या आ गई? 214। उत्तर आपके सामने आ गया, 214। समझ गए आप? ठीक, समझ गए? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, फिर से देखो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें सफलता पूर्वक लिखा हो, तो हमेशा उल्टा चलते हैं और संख्या एक ही होती है, ठीक है? हाँ, वो बड़ी वाली ही निकालनी है। सफलता पूर्वक का मतलब जो अभी समझाया कि जो रिजल्ट आया ये उसको लेकर अगली स्टेप में आए, जो रिजल्ट आया उसको लेकर अगली स्टेप में आए, यानी आगे हमारे लिए इनका काम बेकार है, इनका काम बेकार है, रिजल्ट का काम है, यहाँ भी वही काम है, ठीक है? फिर से देखो, पहले 4 से भाग दिया था तो शेषफल 2 आ रहा था, फिर 5 से भाग दिया शेषफल 3 आया, फिर 6 से भाग दिया शेषफल 4। उल्टा करते हैं, 6 वन जा 6 तो 10, 50 तो कितना आएगा? 53, 212, तो यहां क्या हो गया? 214, ठीक है बेटा? इसकी ट्रिक भी है, ट्रिक इसकी चाहे जहां लगा है। कैसे ट्रिक है? कभी ऐसा क्वेश्चन आया 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार, कैसे करते हैं? देखो, आपको एक लाइन से लिखना है डिवीजर। डिवीजर मतलब समझ रहे हो क्या? भाजक, जिससे भाग देते हैं, और शेषफल लिखने हैं। शेष मतलब समझते हो? रिमेंडर, ठीक है? क्या थे? 4 5 6, ठीक है? 2 3 4, अपना ऐसे हमने लिख दिया, एक रेखा में हम बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हालांकि आपको बनाने की जरूरत थोड़ी है, हम तो बस ऐसे ही बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? अब आपको क्या करना है? देखो ट्रिक क्या है, आपको सीधा सीधा जोड़ना है, सीधा जोड़ना है, तिरछा गुणा करना है, ठीक है? फिर सीधा जोड़ना है और बेटा तिरछा गुणा करना है, फिर बेटा सीधा जोड़ना है और आगे हो तो तिरछा गुणा, नहीं तो उत्तर। कैसे? देखो, पहले सीधा जोड़ो, 6 में 4 जोड़ो कितना हुआ? 10। 10 का 5 में तिरछा गुणा करो, जरा यहां पर तिरछा गुणा करो, कितना हो गया? 50। 50 में फिर 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 53। 53 का 4 में गुणा करो, 212, और 212 में 2 जोड़ दो भैया, कितना आ गया? 214। समझ गए? समझ गए? फिर देख लो, फिर देख लो। हम दोबारा तुमको बता दे रहे हैं, दोबारा रेड कलर से बताते हैं। कैसे? कि देखो, पहले हमें भाजक लिखने हैं 4 5 और 6, ठीक है? फिर हमें शेषफल लिखना है 2 3 और 4, ये सब में लगेगा, सब में ध्यान रखना, सब में लगेगा, सब में, ठीक है? अच्छा बेटा, सीधा हम जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, तिरछा गुणा, 10 पचे 50, फिर सीधा जोड़ दो, 50 और 4 3 53, फिर तिरछा गुणा कर दिया, 53 चौको 212, 212 हम 2, कितना हो गया? 214। समझ गए? ये बेसिक था और ये ट्रिक थी, ठीक? तो आज के लिए इतना रखते हैं, और कल के लिए फिर से हम नई चीज लेकर आएंगे, और ये वाले क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा आपका, रिवाइज करा देंगे, और आगे कुछ नया भी लेकर आएंगे और आपके साथ मेहनत भी करेंगे। आप टेंशन न लीजिए, बेसिक क्लियर हो जाए लगातार आपके साथ। मैंने कहा था पहले भी, फिर बता रहा हूँ कि दो दो तीन तीन घंटे आपके लिए सेशन लेके आएंगे, जिसमें प्रैक्टिस भी करवाएंगे, अभी प्रैक्टिस सेशन और लाइव भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा, पढ़ते रहिए, बेसिक तैयार करते रहिए, मजेदार तरीके से बिल्कुल पढ़ेंगे, जब लाइव आएंगे तो आइए बिल्कुल धमाल मचा देंगे, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, अब खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।